दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लैंड में। गाइस इस वीडियो में कवर करेंगे रोमानिया टिटन लीग का दोस्तों ये दूसरा जो है सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। तो दोस्तों बात करेंगे आज के मैच की, दोनों टीम की तरफ से क्या बेस्ट प्लेइंग 11 रहने वाली है जो कि आज के मैच में आपको काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके देंगे। यहाँ पर गाइस हम देखने वाले स्मॉल लीग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जैकपॉट विनिंग प्लेयर कौन से होंगे, ग्रैंडलिंग में आपको किस प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना है, कैसे आपको यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो वीडियो अगर लास्ट तक देखते तो आपको काफ़ी डिटेल में दोस्तों सब कुछ देखने के मिलेगा और कुछ कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनको काफी कम लोगों ने ले रखा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों काफी डिटेल में सभी प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस मैच में भी आपको जो है काफी अच्छी खासी जैकपॉट विनिंग आसानी से मिल जाएगी। सिंपली करना कि आपको पूरा वीडियो देखना जिससे आपको दोस्तों डेली की तरफ बहुत शानदार टिप्स मिलेंगे जिससे आसानी से आप खुद से भी टीम बनाकर बहुत अच्छी विनिंग इस मैच में कर पाएंगे। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन और दोस्तों जो है कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जिससे आप हमारे साथ आसानी से जुड़ पाएंगे। गाइस यहां पे आपको हर एक मैच की फाइनल टीम मिलती है जिससे डेली जैकपॉट विनिंग करते हो, तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम गाइस आगे बढ़ते हैं, यहां पे टीम के बारे में बात कर लेते हैं कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पे आपको सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कौन कितने ओवर बॉलिंग करेगा, बैटिंग कहां करेगा और कौन से इंपॉर्टेंट रहेगा आज के स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों बात करें यहां पे विकेट के पास सिक्स में आपको दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल तीन प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। गाइस यहाँ पे राणा सिंह इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको आई हैदर खेलते नजर आएंगे। खासी बात करूँ आई हैदर जीएल के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है। गाइस आपको बता दूँ इस मैच के अंदर आपको जो है तीसरे चौथे नंबर बैटिंग करके दे सकता है जो कि आपके लिए एक अच्छा खासा पिक बन सकता है आज के मैच में। और गाइस आपको बता दूँ ये प्लेयर कितने बार जो ओपन भी किया हुआ है, अगर दोस्तों टीम मैनेजमेंट कुछ अलग करना चाहती है तो हो सकता है इसको वो ओपन भी करवा सकती है। गाइस तो ये बात ध्यान में रखते हो अपने, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम्स बना रहे हो तो वहाँ पर कम से कम एक दो टीम इसको लेके जा सकते हो एज ए नॉर्मल प्लेयर। वहीं कैसे बात करिए तो नागी गोटला दोस्तों इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। गाइस टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आज के लिए इस दोबारा से एक अच्छे खासे शानदार बैटिंग करके दे सकता है। ग्रैंडलिंग में दोस्तों वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो जो कि आपके लिए बेस्ट पिक बन सकता है। यहाँ पर बात करूँ तो गाइस बैटिंग के बेस पे बाकी हमारे स्मॉल लीग के लिए भी सेफ प्लेयर रहेगा तो हम इसको अपनी टीम में लेकर जाए। बैटिंग से गाइस रिसेंटली बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है और बात करूँ दोस्तों एवरेज हर मैच में जो पॉइंट देता है तो गाइस ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप गाइस यहाँ पर देखेंगे ना तो हर मैच में जो टोटल पॉइंट और एवरेज पॉइंट यहाँ देखेंगे तो हर मैच आपको 50 प्लस पॉइंट देके जा रहा प्लेयर, तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रोल जरूर करता है तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इस मैच में डालने वाला है। तो यहां पर फोकस जरूर करना है इस प्लेयर के ऊपर। वही जैसे बात कर लें यहाँ पे टी उल्लासन हमारे टीम में रहेंगे जो कि गाइस बैटिंग बॉलिंग से रिसेंटली बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है और कल के मैच में दोस्तों 100 प्लस पॉइंट दिए है। और अगर इसका आप एवरेज पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं हर मैच में आपको काफ़ी शानदार जो 70 प्लस पॉइंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो अदर ऑप्शन है ना प्लेइंग्स के तो यहाँ पे गाइस अगर बात करूँ तो इन दोनों में से जो भी प्लेयर खेले रहते इनको जीएल के टीम में ट्राई कर, खास करके यहाँ पे दोस्तों जो एल दुश्मान था इसका कारण गाइस बता दूँ ये प्लेयर आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग करके देता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ग्रैंडली के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं आज के मैच में। दोस्तों यहाँ पे परिहाल बैटिंग करते हैं आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और गाइस अगर इन दोनों में से प्लेयर खेल रहे हैं तो दोनों का आप जीएल में ट्राई करना है। स्मॉल लीग के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्की बनते हैं तो यहाँ पे स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, तो खासकर दोस्तों एज पर एरिया बैटिंग से अच्छे पॉइंट्स आपको देकर जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम यहाँ पे लेकर चले दोस्तों टी उल हसन को, बाकी जो आपको बताया जरूर ट्राई करना है। दोस्तों परिहाल आपके लिए आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। यहाँ से मैंने दोस्तों टोटल पांच प्लेयर को ट्राई किया जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दूँ मैं गाइस यहाँ पे एम मोइस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच के अंदर। कल का पहला मुकाबला खेला था 98 पॉइंट दिया और आपको मैंने इसके बारे में स्टैट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे और जितने भाई ने हमारे स्टैट्स देख कर यहाँ पर टीम बनाई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस प्लेयर के बारे में मैंने टोटल आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो ओपन बैटिंग करता है, दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करता है जिससे सभी लोगों ने बहुत शानदार विनिंग किया और हमारा गाइस के वाइस कैप्टन भी था जिससे हमने बहुत जैकपॉट विनिंग किया हुआ है। तो गाइस ऐसे अगर आप भी डेली जैकपॉट विनिंग करना चाहते हैं तो इसलिए आपको बोले मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। गाइस बात करें फिलहाल यहाँ पर हम अपने टीम्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर टी सिंह है, कोहली है, वहीं गाइस मिश्रा, वी सैनी और गाइस मोइस है। और गाइस मैंने जैसा कि आपको थंबनेल में बोला गाइस यहाँ पर टी सिंह को कैप्टन करने से पहले वीडियो जरूर देखो, इसका कारण गाइस बता दूँ इस मैच के अंदर इसका चांस जो है फ्लॉप होने का रहने वाला है। इसका कारण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण गाइस यहाँ पर एम मोइस है, क्योंकि गाइस आपको बता दूं ये ओपन बॉल बैटिंग करते हैं, मोइस आपको ओपन बॉलिंग करते नजर आएंगे और जो टी सिंह का रिकॉर्ड है ना यहाँ पे मोइस के खिलाफ काफ़ी दोस्तों खराब रहता है, जल्दी आउट होने के चांसेस इस मैच में इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसी कारण से मैंने आपको बोला कि इसको आप जो है ड्रॉप करके चल सकते हो और ग्रैंडली खेले तो एक बहुत शानदार आपके लिए आज के मैच में दोस्तों चांस बनने वाला है। तो इसके बेस पर अपनी टीम बना रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो ध्यान रखते हो टीम बना सकते हैं, आपके लिए जो जैकपॉट मैच बन सकता है अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉप करते हो, क्योंकि लगभग दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने जो हाई परसेंटेज इसको कैप्टन कर रखा है। तो ये आपके लिए एक जैकपॉट विनिंग और ट्रिप जो है काफ़ी अच्छी टिप्स बन सकती है जीएल के लिए। एम कोहली बात करूँ जी मिश्रा रहते हैं, वैसे नहीं और गाइस यहाँ पे मोहित
चारों के चारों प्लेयर मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौरव मिश्रा दोस्तों बॉलिंग से लगभग हर मैच में आपको विकेट्स निकाल के देने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी सैनी की बात करूँ गाइस, इसको अपनी टीम में लेकर जरूर चलना, आज के मैच में आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर जाएगा गाइस। अगर आपको मैं यहाँ पे एवरेज पॉइंट बताऊँ सभी प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप एवरेज पॉइंट भी देख सकते हैं लगभग कितने कितने पॉइंट हर मैच हर एक प्लेयर दे रहे हैं। जैसे कि मोहित दोस्तों अपना पहला मुकाबला खेला जिसके कारण आपको टॉप पे देखने को मिल रहा है 98 पॉइंट के साथ। टी सिंह लगभग हर मैच आपको 97 पॉइंट दे रहे हैं। मैंने इसको अपनी टीम में इस कारण से ले रखा, अभी स्मॉलिंग में गाइस मैंने बोला को लेकर चल सकते हैं। स्पेशल जो टिप्स था वो दोस्तों जीएल के लिए, क्योंकि गाइस रिकॉर्ड जो है इसका काफी खराब है दोस्तों, मोइस के खिलाफ जल्दी आउट हो सकता है इसका जैसा रिकॉर्ड है। वहीं हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आप बाकी प्लेयर्स के पॉइंट दे सकते हैं। सभी प्लेयर दोस्तों लगभग हर मैच में आपको जो है 50-60-90 प्लस पॉइंट्स दे रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छे जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन पिक बनेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ आगे अगर कुछ प्लेयर्स यहाँ पे देखें तो आपको दोस्तों यहाँ पे दो प्लेयर, लेकिन दोनों प्लेयर का स्टैट्स उतने खासे अच्छे नहीं और इस मैच में आपको अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। यहाँ से कैसे आप देख सकते हैं प्लेयर्स जो कि आपका हर मैच में लगभग 50 प्लस पॉइंट दे रहे हैं बॉलिंग से, तो इनको अपनी टीम में आप जरूर लेकर चल सकते हैं। इसके आगे दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके लिए जो जीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी गाइस, यहाँ पे आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे जो रह सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो है VW अहमद के बारे में बात करूँ, बहुत कम लोगों ने इसको ले रखा, लेकिन आज के मैच के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। इसका कारण गाइस आपको बता दूँ, कभी भी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट और गाइस यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल जैसे मुकाबले होते हैं ना, तो ये प्लेयर हमेशा परफॉर्म करते हैं। आपको बता दूँ लास्ट सीजन भी इसने दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस सीजन के अंदर भी दोस्तों इसका बहुत चांस है कि आपको हाई परफॉर्मेंस करके देगा। तो इस मैच में आप जो ग्रैंडली खेल रहे थे, आपको जो मैंने टिप्स अभी बताई गई, यहाँ से ऑलराउंडर में दोस्तों मोहम्मद मोइज हो जाते हैं, यहाँ से डब्ल्यू अहमद को अपना जो वाइस कैप्टन करके आप काफ़ी अच्छे खासे जो है पॉइंट अपने बना सकते हैं, जिससे जीएल के अंदर आपको जैकपॉट भी नहीं लग सकती है। वहीं गाइस हम नीचे अगर बात करें तो गाइस यहाँ से अगर आप यसारी को ट्राई करना चाहें तो अच्छे पिक बन सकते हैं। अगर इस मैच इनको बॉलिंग दिया जाता है तो विकेट निकाल के जरूर देगा ये प्लेयर, तो ये बात ध्यान में रखना गाइस, टीम में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर T10 के मैच के अंदर दोस्तों कभी भी किसी भी प्लेयर्स के साथ जो है चेंजिंग किया जा सकता है बॉलिंग बैटिंग में, तो यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी दोस्तों जो सेफ पिक है वो तो अपने हमारे करेंगे बैटिंग बॉलिंग, और गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताऊँ अगर चेंज करना है तो आप किसकी जगह पर जो है डब्ल्यू अहमद को ट्राई करोगे, तो गाइस यहाँ पर आपके दो ऑप्शन रहते हैं, या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अपने जो है यहाँ पर दोस्तों हमारे जो खागड़ा इसके जगह पे, या फिर यहाँ पे रविंद्रा की जगह पे किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पर अपने टीम में जो है डब्ल्यू अहमद को पिक कर सकते हैं। इसका रोल आपको बता दूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रविंद्रा की जगह पे पिक करूँ जो कि आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो सकता है, तो दोस्तों ये आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारी दोस्तों ये सेम टीम रहेगी अभी जो हम लेकर चल रहे हैं, बाकी जो चेंज होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको मैं और भी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जिसका आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो लिंक आपको जिसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो फटाफट से ज्वाइन करो, मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है। बात करें यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 62% लोगों ने जो है टी सिंह को कैप्टन कर रखा है। मिस के दोस्तों अगर यहाँ पे जो मैंने आपको टिप बताई है अगर आप उस बेस पे चलते हैं तो आपको आज के मैच में बहुत शानदार विनिंग आसानी से हो जाएगी अगर सिंह को ड्रॉप करके आप चलते हैं, क्योंकि मोइस के खिलाफ दोस्तों जल्दी आउट होता है, ये आपको मैं बता दूँ हर मैच में ज्यादा चांसेस इसके आउट होने के रह रहे हैं इस मैच के अंदर, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं आप। बाकी कैप्टन का जीएल के अंदर कैप्टन दोस्तों मोइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस कैप्टन को मैंने बोला डब्ल्यू अहमद को लेकर कर सकते हो जो कि बेस्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से आज आ सकते हैं आगे ऊपर, और गाइस यहाँ पे सेफ पिक वाइस कैप्टन का स्मॉलिंग के लिए रहने वाले, तो इसके साथ हम लीड कर सकते हैं अभी। बाकी दोस्तों आपके और भी ऑप्शन है, जैसे कि बता दूँ दोस्तों यहाँ पे मोइस कोहली हो जाते हैं और दोस्तों वी सैनी के साथ, खास करके दोस्तों कोहली और मोइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन से लीड कर सकते हैं जो कि बहुत बेस्ट होगा स्मॉलिंग के लिए भी। तो दोस्तों एक और फाइनल प्रीव्यू आप वीडियो में देख लीजिए टीम के, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा टीम क्रिएशन में। तो दोस्तों 6-5 का यहाँ पे जो मैंने अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, जहाँ पे विकेट के उसमें नानी कोटला रहेंगे, वहीं टी उल हसन रहेंगे, उसका एम कोहली रहेंगे, टी सिंह रहेंगे, जी सर मिश्रा रहेंगे, उसका वी सैनी, उसका दोस्तों मोहम्मद मोइस, साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमने जो है जवानी को ले रखा है, उसका दोस्तों जे खागड़ का आप आर हुसैन की अगर बात करें तो रविंद्रा, ये हमारी टीम रहेगी। इसमें से जो भी चेंज होता है तो टेलीग्राम पर फाइनल टीम मिलनी है, तो यहाँ ज्वाइन कर लो फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, और जो टिप्स आपको बताइए जीएल में जरूर अप्लाई करो, काफी अच्छी जैकपॉट विनिंग बन सकती है आज के मैच में। फिलहाल हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय।